शादी करने के बाद सीधे एक साल बाद मिली अनिल कपूर से, अब कैमरे के सामने देखते ही लगा लिया गले नमस्कार। हॉलीवुड के यंग मैन जिन्हें 63 साल की उम्र में भी बुढ़ापा छू नहीं पाया, जी हाँ, अनिल कपूर जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अभिनेताओं में से एक है। अनिल कपूर की खास दोस्त अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा तो उनकी बहुत बड़ी फैन है, दोनों साथ में एक सुपरहिट फिल्म भी दे चुकी है। प्रियंका अपनी शादी के बाद अनिल कपूर से पिछले एक साल से मिली नहीं पाई थी और इतने समय में प्रियंका उन्हें इस लुक में रेड कार्पेट देखा तो स्टेज पर कैमरे के सामने ही गले लगा लिया। अनिल कपूर और प्रियंका साल 2015 में दिल धड़कने दो में साथ नजर आए थे और उनकी फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया था। फिर दोनों आखिरी बार साल 2018 के आखिरी में प्रियंका की शादी में मिले थे, जिसके बाद प्रियंका को भारत आने का समय बहुत कम मिलता था। अब दोनों शादी के सीधे एक साल बाद मिले और बहुत उत्साहित हो गए। हाल ही में मुंबई में उमंग अवार्ड शो का आयोजन किया गया, यहां इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की। वहीं प्रियंका अमेरिका से अवार्ड शो में शामिल होने के लिए पहुंची, उनसे पहले अनिल वहां स्टेज पर मीडिया के सामने रूबरू हो रहे थे। वहीं कुछ समय बाद प्रियंका भी वहां पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने अनिल को देखा तो उन्हें और उनके आउटफिट को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई और सबसे पहले अनिल को देखते ही कैमरों के सामने गले लगा लिया। प्रियंका अपने ब्लू साड़ी में बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। बात की जाए अनिल कपूर की तो उन्होंने पुलिस की 3-स्टार वर्दी वाली जैकेट पहनी हुई थी। इसके पीछे खास वजह यह कि अवार्ड शो मुंबई पुलिस के लिए था और अपने आउटफिट से वो सुर्खियों में छाए रहे। प्रियंका और अनिल के साथ में कैमरे के सामने खूब सारे पोज़े, दोनों साथ में अंदर चले गए। अनिल कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो कुछ समय पहले ही फिल्म पागलपंती में नजर आए थे, इस साल वो मलंग और तखत फिल्म में नजर आएंगे।